दिखाए गए नाम, वर्ण, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक है। इसका किसी मृत्यु व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता है तो यह मात्र एक संयोग होगा। इस वीडियो में कुछ डरावने तत्व दिखाए गए हैं और उसे परिपक्व को दर्शकों के लिए उपयुक्त है। रायपुर सेंट्रल जेल, रात के करीब 12 बज रहे थे। पूरे जेल में मौत की शांति पसरी हुई थी। सभी कैदी गहरी नींद में सो रहे थे, पर सेल नंबर 403 से लगातार मंत्रों की आवाजें आ रही थी। एक कैदी इतनी रात में भी अंधेरे में बैठा मंत्रों का उच्चारण कर रहा था और अपने जिस्म को काट कर उससे निकले खून से दीवार पर कुछ लिखे जा रहा था, और तो और किसी शैतान की आकृति बना रहा था। उसका सारा ध्यान मंत्रों के उच्चारण पर ही था। तभी उसने देखा कि जिस शैतान की आकृति उसने अपने खून से बनाई है, उसकी आंखें लाल होकर चमकने लगी थी। आंखों को चमकता देख कैदी मुस्कुराने लगा था। उसने उस आकृति को देखकर बस इतना कहा, बस मुझे इस दुनिया से मुक्त कर दे, मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जा, मैं अब और जीना नहीं चाहता। यह कहते हुए कैदी बेहोश हो गया था। अगली सुबह जब जेल गार्ड ने सेल की सलाखों पर जोर से डंडा बजाया तो उसकी नींद अपने आप खुल गई। केशव चल उठ जा, तेरी पैरोल पर बाहर आने की अर्जी मंजूर हो गई है। केशव ने गार्ड से जब यह सुना और अपने कपड़े पहनकर सेल से बाहर आ गया। दरअसल केशव को 14 दिन के लिए पैरोल मिली थी और 15वें दिन उसे वापस जेल आना था, नहीं तो उसे अरेस्ट कर उसकी सजा और बढ़ा दी जाती। लेकिन केशव ने पैरोल के 12वें दिन पूरे होते ही उसने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को उसके घर से केशव का जला हुआ शव और सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने लिखा था कि अब मैं इस दुनिया से मुक्ति चाहता हूँ, मैं अब और जीना नहीं चाहता, मुझे वापस उस नरक में नहीं जाना है। सुसाइड नोट पढ़कर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि केशव ने जेल की जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या की है। यहाँ तक कि पुलिस ने मामले की रिपोर्ट भी बना ली थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ में आई तो पूरा मामला सिक्के की तरह पलट चुका था। फिर जो कहानी सामने आई उसे जानकर पुलिस भी दंग थी। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि मौत के बजाय आग या धुएं से दम घुटना नहीं बल्कि गला दबाकर हत्या हुई है। यह खबर रातों रात रायपुर की सुर्खियां बन गई, जिसे सॉल्व करने के लिए दिल्ली से स्पेशल ऑफिसर दुष्यंत को नियुक्त किया गया था। दुष्यंत ने आते ही सबसे पहले वारदात पर खींची गई सारे फोटोग्राफ को गौर से देखते हुए हवलदार पाटिल से कहा, पाटिल केशव के पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जबकि जब भी कोई जलकर मरेगा तो वो तड़पने लगेगा। इस हिसाब से तो उसके पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाय अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। फिर दूसरी तस्वीर देखते हुए दुष्यंत ने पाटिल से कहा, और इस तस्वीर को देखने पर साफ पता चलता है कि केशव का चेहरा और सीने वाला हिस्सा ही पूरा जल गया है, जबकि हाथ और पैर ज्यादा नहीं जले, लेकिन अजीब तरीके से मुड़े हुए भी। साहब इसका मतलब तो यही है कि पहले केशव को जबरदस्ती बांधा और फिर गला दबाकर जान से मार दिया, फिर उसकी बची कुची पहचान मिटाने के लिए बॉडी को जला दिया, खास करके सीना और चेहरा। बिल्कुल सही कहा पाटिल, पर इसे साबित करने के लिए सबूत भी चाहिए। चलो जरा इस बार फिर से शुरू करते हैं। इतना कहकर दुष्यंत और पाटिल केशव के घर आ गए। दुष्यंत केशव के घर को गौर से देख ही रहा था तभी उसे एक कोने में आधी जली हुई काले जादू की किताब मिली। उसके साथ साथ कुछ काले जादू का सामान भी बरामद हुआ। दुष्यंत ने जब किताब खोली तो किताब के आखिरी पन्ने पर किसी शैतान की तस्वीर बनी हुई थी, जिसके नीचे लिखा था, मैं अमर हूं और मेरे शरीर बदलने का वक्त आ गया है। दुष्यंत के लिए यह केस दिन पर दिन पेचीदा होता जा रहा था। केस के हर मोड़ पर उसके सामने एक नया सवाल आ खड़ा होता, पर उसने हार नहीं मानी थी। उसने एक साथ ही दो चालें चली। पहली तो उसने किताब के बारे में जाना और साथ ही केशव के कॉल डिटेल्स भी मंगवाई। कॉल डिटेल से यही पता चला कि जब से केशव पैरोल पर बाहर आया था वो रायपुर छोड़कर कहीं गया ही नहीं था। उसकी लास्ट लोकेशन भी रायपुर ही थी। इसके साथ ही एक दिलचस्प बात ये सामने आई कि जेल में उसके सेल में भी उसी शैतान की तस्वीर बनी थी जो दुष्यंत ने काले जादू की किताब के पीछे देखी थी। किताब से यह पता चला कि किताब काले जादू की एक ऐसी विद्या के बारे में है जिसमें हम अपनी आत्मा को किसी और के शरीर में डाल सकते हैं, जिसकी साधना को उस किताब में लिखा था। इन सब के बाद भी एक बात और सामने आई कि शव पैरोल पर बाहर आने के बाद से एक नंबर पर रोज बात किया करता था। वह नंबर किसी रवि नाम के लड़के का था। अब दुष्यंत के सामने रवि को खोजने की चुनौती थी। इसके लिए उसने पाटिल से कहा, बहुत हो गया ये लुका छुपी का खेल। पाटिल शहर में तुम्हारे जितने भी इन्फॉर्मर्स हैं उन सबको एक्टिव करो और इस किताब के बारे में पता करो, साथ ही रवि के नंबर को ट्रैक करो, जैसे ही ऑन होता है सीधे मुझे खबर करो। दुष्यंत ने जैसा कहा था पाटिल ने जाल बुन दिया, लेकिन 20 दिन हो गए उसके हाथ कुछ नहीं लगा। पर फिर एक दिन दुष्यंत को पता चला
कि किसी इन्फॉर्मर ने एक आदमी के हाथ में एक किताब देखी है जो वैसी तो नहीं थी, लेकिन उसी किताब का अलग भाग था। बस फिर क्या था, उस इन्फॉर्मर की मदद से दुष्यंत और पाटिल उस आदमी का पीछा करने लगे। साहब, हमें तो लगता है ये आदमी नशे में होगा, भला आधी रात में कोई शमशान घाट क्यों आएगा। पाटिल, ये केस जैसा दिखता है वैसा जरा भी नहीं है, इसलिए होशियार रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इतना कहकर दुष्यंत और पाटिल शमशान घाट के अंदर गए। तभी उन्हें किसी के मंत्रोच्चारण की आवाजें आने लगी। दोनों आवाज का पीछा करने लगे। कुछ दूर जाकर देखा कि एक आदमी उनकी तरफ पीठ करके चिता के पास बैठा मंत्र पढ़ रहा है। दुष्यंत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई साहब, आप किसी केशव नाम के आदमी को जानते हैं? दुष्यंत के इतना कहते ही मंत्रों का उच्चारण बंद हो गया था। जैसे ही वो शख्स वापस मुड़ा तो दुष्यंत और पाटिल के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस आदमी से दुष्यंत ने केशव के बारे में पूछा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद केशव ही था। जैसे पहचान दुष्यंत और केशव ने तुरंत ही उस पर बंदूक तान दी। हैंड्स अप केशव, अपनी मौत का झूठा खेल रचकर तुमने क्या सोचा, तुम बच जाओगे? कभी नहीं। मगर केशव दुष्यंत की बात सुनकर हंसने लगा और कहा, मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम मुझे ढूंढ ही लोगे, पर इतनी जल्दी ढूंढ लोगे मुझे नहीं पता था। खैर, अब जब तुमने ढूंढ ही लिया है तो वापस चले जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर तभी दुष्यंत ने एक गोली हवा में चलाकर अपनी मौजूदगी जाहिर की और गुस्से में कहा, एक आखिरी बार बोल रहा हूँ, शराफत से चल वरना इसी चिता पर तेरी लाश बिछी होगी। दरअसल दोनों के बीच में एक चिता थी जिस पर एक लाश रखी हुई थी, पर दुष्यंत की बात सुनकर केशव ने तुरंत ही लाश के सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाया और वो लाश एकदम से जिंदा हो गई। फिर चिता से उठते ही उस लाश ने दुष्यंत के हाथ की रिवॉल्वर अपनी छाती की तरफ घुमाई और जबरदस्ती चलाकर रिवॉल्वर खाली कर दी। इतनी गोलियां खाने के बाद भी लाश को कुछ नहीं हुआ और अगले ही पल दुष्यंत को एक लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। फिर वो लाश पाटिल की तरफ बढ़ने लगी। पाटिल एक लाश को अपनी तरफ आता देख डर गया था। उस लाश का सीना गोलियों से छल्ले हुआ पड़ा था, उसकी पसलियां साफ दिख रही थी। यह सब देखकर पाटिल कांपने लगा और उसके हाथ से बंदूक जमीन पर गिर गई। पर इससे पहले पाटिल अपनी बंदूक वापस से उठा पाता, उस लाश ने पाटिल को गर्दन से पकड़कर बीच हवा में उठा दिया और एक हाथ उसके जिस्म में घोंप दिया। पाटिल दर्द से बीच हवा में तड़प रहा था, मगर उस लाश ने उसे जान से नहीं मारा और उसे फेंक कर वो दुष्यंत को मारने चल दिया। दुष्यंत ने पहले वो लाश पर खूब हमले किए पर लाश पर कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर जब दुष्यंत थक गया तो लाश उसे बालों से घसीटता हुआ वापस केशव के पैरों में लेकर आ गया। मौका दिया था तुम्हें जिंदा रहने का, पर तुमने जिंदगी नहीं मौत चुनी, जिसका परिणाम अब तुम देख ही रहे हो। मरने से पहले अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, सुना है आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो मौत का दर्द कम हो जाता है। केशव की बात सुनकर दुष्यंत ने बस इतना कहा, अगर तुम जिंदा हो तो फिर वो जली हुई लाश किसकी थी? वो लाश दरअसल मेरे छोटे भाई की थी, मेरी जैसी कदकाठी, हल्का हल्का चेहरा भी मिलता था हम दोनों का, बचपन से ही उसे ज्यादा प्यार मिला, हर चीज पहले उसे दी जाती थी फिर मुझे पूछा जाता था। बचपन से लेकर आज तक वो मेरा हक मारता आया था और जब मेरी शादी हो गई तब उसने मेरी पत्नी पर हक जमाना शुरू कर दिया, मेरी पत्नी और उसके संबंध बनने लगे। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, जिसके मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई दी गई थी। पर मेरा भाई अभी भी जिंदा था, मैं उसे जान से मारे बिना कैसे मर सकता था। तभी मुझे इस अघोरी विद्या का पता चला, जिससे मैं किसी के भी शरीर में कोई भी आत्मा डालकर उससे कुछ भी करवा सकता हूँ। लेकिन अपने भाई को तो मैंने खुद अपने हाथों से मारा, और अब मरने की बारी तेरी है इंस्पेक्टर। इतना कहकर केशव दुष्यंत का सिर पकड़कर उसके गर्दन की हड्डी तोड़ने ही वाला था, तभी दुष्यंत ने देखा कि चिता की लकड़ियों पर तेल और घी लगा है। फिर क्या था, उसने पूरी जान से धक्का देकर केशव को चिता पर गिरा दिया, फिर जेब से लाइटर निकालकर चिता की लकड़ियों पर फेंक दिया। लकड़ियों ने तुरंत आग पकड़ ली, जिसके बाद केशव भी जलने लगा। वह आग की जलन से दर्द से चीख रहा था, उसकी चीखें पूरे शमशान घाट में गूंज रही थी। केशव के जलने पर लाश के अंदर से आत्मा भी निकल गई, जिससे वो वापस लाश बन गई। आपको क्या लगता है, क्या काली जादू जैसी कोई चीज होती है? क्या काली जादू से हम किसी पर काबू पा सकते हैं? अगर आपने ऐसा कोई वाकया असल जिंदगी में देखा है तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि बुरी शक्तियां कितनी भी ताकतवर हो लेकिन अंत में जीत अच्छाई की होती है तो वीडियो को लाइक करें, हमें आपका जवाब मिल जाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी में। तब तक याद रखें, डरना जरूरी है।